गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सभी लोग बोलबम जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास। और इस हॉस्पिटल में आरब का बर्थ हुआ था। ये मेन गेट है और मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। बाहर पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी सब लगता है। तो इस गेट से मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे साथ इस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। जो गेट से लेडीज आ रही है वही एंट्री गेट है और उधर कैंटीन है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा पेड़ है और कितना सुंदर गार्डन है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। एक पेड़ इधर भी है, एक पेड़ इधर भी है। एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है, पता नहीं कोई एनिमल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुंदर हॉस्पिटल है। आपको फील नहीं होगा कि आप किसी हॉस्पिटल में हो। ऊपर मैम का घर है और नीचे हॉस्पिटल है। मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगी कहाँ पे क्या होता है। और चलिए, तो अब इधर अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बाहर ही चप्पल जूता खोलना पड़ता है। और इधर काउंटर है, यहाँ सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं क्योंकि पेरेंट्स को अंदर बुलाया जाता है तभी जाना होता है। और ये गेट है, गेट से हम अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी गेट से डॉक्टर के पास जाते हैं और गेट पे बहुत बड़ा फैन लगा हुआ है। यहीं पे चप्पल जूता खोल के जाना होता है। और सारे पेशेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है, फैन लगा हुआ है। एक एक करके नाम बुलाएंगे और जाएंगे। इसी गेट के अंदर डॉक्टर बैठते हैं, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बाहर आ गई हूँ और एक गेट और है हॉस्पिटल के अंदर जाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिक्चर बहुत सारा लगा हुआ है। और आरब का जन्म ना सितंबर में हुआ था। थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ रहा था और आरब को थोड़ा जॉन्डिस हो गया था, तो धूप दिखाने के लिए बोला गया। तो हम लोग इसी सीट पे आके सुबह सुबह बैठते थे। बहुत अच्छा लगता था यहाँ बैठकर। आज फिर से सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ। एक गेट और है जिससे हम लोग अंदर जाते थे क्योंकि वो भी बंद रहता है हर हमेशा। अभी भी शायद बंद ही है। इस गेट से सुबह सुबह सभी पेशेंट को बाहर निकाल के वॉक कराया जाता था क्योंकि उस वाले गेट पे हमेशा भीड़ रहता था। और इधर ना सारे स्टाफ रहते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना सुंदर गार्डन है। वहाँ झूला लगा हुआ है, बड़े बड़े पेड़ है। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी एनिमल का स्टैचू बनाया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा एनिमल है। और आप लोग गार्डन तो देख ही सके हैं, कितना हरा हरा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। एक बार सोचिए उस झूला पर बैठकर झूलने में कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग उधर नहीं जाना है। और मैं एक बार फिर से आपको मैम का घर दिखा देती हूँ। कितना सुंदर आसियाना जैसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। अब मैं ना बाहर आ रही हूँ, जिधर मेन गेट है बाहर जाने का, वहाँ पे इधर मैम का गाड़ी लगता है इसके अंदर। और आप लोग देख सकते हैं हर जगह फूल लगा हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई फूल का पेड़ ना हो। बहुत ही हरा भरा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा भी लगता है। उधर एक मम्मा और एक चाइल्ड है, वहाँ स्टैचू बना हुआ वाइट कलर का। और इधर मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप के बगल में बाथरूम है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक कैंटीन भी है। यहाँ पे ब्रेड, चाय, हर एक चीज़ मिलता है, जूस सब। और इधर पानी पीने के लिए नल लगा हुआ है। इधर डस्टबिन है कचरा डालने के लिए। तो अब मैं बाहर जाऊँगी।
आशा करती हूँ कि आप लोग को हॉस्पिटल अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा है। मेरे इस वीडियो से मेरी फ्रेंड सबको काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और आरा इधर खा रहा है चिप्स। तो फ्रेंड्स, इसी गेट से हम लोग बाहर जाएंगे, तो अब मैं बाहर आ गई हूँ। और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। अब तक